जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामर अली, आप देख रहे हैं 97 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राणा जमीर त्याल साहब, जो कि पीटीआई की जो पार्टी है उसमें सीनियर रहनुमा के नाम से जाने जाते हैं और इनकी पार्टी में काफ़ी ग्रां कदर खिदमात हैं। इनके पास आज एक तकरीब थी कायदे आज़म की सालगिरह के हवाले से, जिसमें हमारे पास वज़ीर पंजाब शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन भी थे सैयद जिब्रान शाह, जिन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया था, और इसके अलावा अमन कमेटी वागा टाउन के जो चेयरमैन है वो भी मौजूद थे। और खान न्याजी, जिनका ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट था, उन्होंने भी इस तकरीब को चार चांद लगाए। राणा जमीर दयाल साहब से जानना चाहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात में किस हद तक पार्टी के साथ हैं और इनका नैरेटिव बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं और आप चूँकि सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के सर, तो आप प्लीज बताएं आपका क्या नैरेटिव है सर? जी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं बिल्कुल, मेरे लीडर इमरान खान साहब का भी बिल्कुल वाजह साहब का मैसेज था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वसासत से जो इख्तियारात है वो हम ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएंगे ताकि इससे डायरेक्टली अवाम को फ़ायदा हो सके, क्योंकि सबक जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं उन्होंने इख्तियारात अपनी पॉकेट में रखे हैं। और खान साहब का जब गवर्नमेंट नहीं थी तब भी इमरान खान साहब का विजन यही था कि हम बल्दियात का इलेक्शन ऐसा करवाएंगे कि डायरेक्ट अवाम के पास जितने भी इख्तियार हैं वो अवाम के पास डायरेक्ट जाएं, किसी बंदे को किसी लीडर का दरवाज़ा नोक करना ना पड़े। तो इंशाल्लाह ताला बल्दियात का इलेक्शन आएगा, हम इंशाल्लाह बड़ी भरपूर अंदाज के साथ बल्दियात का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट करेंगे। और पार्टी के लिए पहले भी इंशाल्लाह ताला 2007 से लेके 2018 के इलेक्शन तक खिदमत देते रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बनी है, इंशाल्लाह पार्टी के लिए दुआएं भी की हैं और पार्टी के लिए सर तोड़ कोशिशें भी की हैं, और आइंदा इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपने मेंबर्स खड़े करेंगे। बल्दियात का इलेक्शन भरपूर तैयारी के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ लड़ेंगे और अपनी पार्टी को जितवाएंगे इंशाल्लाह। और अवाम की जो है वो फ्लॉप बहबूद के लिए जो इमरान खान साहब का विजन है उसमें कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इस पाकिस्तान को आज चूँकि फैजाज मोहम्मद अली जनाब का जो में पैदाइश था उनके विजन के मुताबिक इस पाकिस्तान को हम चार चांद लगा के छोड़ेंगे। अच्छा सर, आप चूँकि सीनियर रहनुमा भी हैं पीटीआई से, मेरा एक आखिरी आपसे क्वेश्चन सर जानना ये चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। सर ये बताएं कि पहले जो वजीर इतलाक का कलमदान था वो फिरोज काशी कमान के पास था, फैजुल हसन चांद को ये जिम्मेदारी दी गई और फिर अब दोबारा फैजुल हसन चांद साहब को एक दफा जो वजीर जेलखाना जाकर लाया गया और कलूनिस का चार्ज भी उनके पास था, अब कलूनिस का चार्ज सर उनसे ले लिया गया और फिरोज काशी कमान साहब दोबारा जो है वो सीट पे आ गई हैं। सर जानना ये चाहते हैं, ऑर्डर भी ये जानना चाहते हैं कि ये खान साहब को जो फार्मूला है ये किस हद तक सर कामयाब हुआ है, जो बाजार थे वो चेंज करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें चेयरमैन साहब बेशुमार दफा बात कर चुके हैं कि ये कोई हरफ आखर चीज नहीं है कि एक वजारत जिसको सौंप दी है तो उसी के पास वो रहेगी, जो कारकर्दगी अपनी दिखाएगा उस कारकर्दगी के मुताबिक उसको जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। शेख रशीद साहब ने बहुत अच्छी रेलवे के अंदर कारकर्दगी दिखाई, अब उन्होंने उन्हें उठाया और वजीर रेलवे से उठा के वजीर दाखिला बनाया, तो जो ये तो बड़ी क्लियरली चीज़ है कि आप जितना अपने आप को काबिल बनाते जाएंगे उतना आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई नहीं। पर फरदोस आशिक साहब पहले भी एक काबिल कारकुन थी और इंशाल्लाह उन्होंने दोबारा अपने आप को अपने आप में इम्प्रूवमेंट की है, तो इमरान खान साहब को यकीन दिलवाया कि मैं बिल्कुल आपके इत्माद पे पूरा उतरूंगी, उन्होंने दोबारा उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी और वो अपने अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी नाजीन, हमारे साथ मौजूद थे राणा जमीर दयाल, जिनका कहना था कि खान साहब का ये विजन है कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो सीधा घर जाएगा। कैमरामैन शहबाज के साथ कामरान अली, 97 न्यूज़, लाहौर।